नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार इस समय पहुंच गया हूं एलनाबाद हलके के बड़े गांव जमाल में और आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें कि आज यहां हरी चुनरी चौपाल है वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, तमाम जो लोग गांव जमाल के यहां मौजूद हैं और अभी अभी यहां डबवाली की विधायक और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नैना सिंह चौटाला है, इस गांव में पहुंच चुकी है। मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं और किस तरह से हरी चुनरी चौपाल है वो कार्यक्रम है आज यहां आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम तस्वीरें कि ये खास करके हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का हलका है, वो यहाँ से विधायक हैं और इतनी ही भारी संख्या में कि आप सबको पता है कि इनेलो में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और उसी को लेकर के जो एलनाबाद में हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस महिला सम्मेलन में, खास करके ये कह सकते हैं कि हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में इस जो हलका है एलनाबाद हलका उसके तमाम गांव की जो महिलाएं हैं वो यहां पहुंची हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरों में नैना सिंह चौटाला है उनको सम्मानित कर रही है और 100 से अधिक साल की महिला है, बुजुर्ग महिला है, उनका सम्मान किया जा रहा है स्टेज पे और किस तरह से हाईटेक कार्यक्रम है इसको कह सकते हैं कि बड़ी जो एलसीडी है एलईडी है वो स्टेज पे लगाई गई है जिसमें स्टेज का जो तमाम जो वीडियो है वो नजर आ रही है। आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें और मैं आपको ले चलता हूँ रैली के, ये कह सकते हैं कि हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम के अंतिम अंतिम जगह पे और मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि किस तरह से हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का यह माना जाता है, कहा जाता है और वो यहाँ से विधायक है। एलो में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और उसी को लेकर के ये कह सकते हैं कि एलनाबाद हलके में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, हरी चुनरी चौपाल है। यूं तो नैना भी कई बार अपने संबोधन में कहती हैं कि सिरसा और फतेहाबाद की हम बात करें तो यहाँ की महिलाएं काफी शर्मीली हैं, वो महिलाएं हैं वो हरी चुनरी चौपाल में नहीं आती, लेकिन एलनाबाद हलके के खास करके ये कहूँगा कि बड़ा गाँव है, ग्रामीण अंचल है, जमाल गांव है, बड़ा गांव है और उसमें ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में महिलाएं हैं और महिलाओं के बाद जो है पुरुषों की संख्या भी इसमें काफी अधिक है वो देखी जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस तरह से महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, अनेक गाँव से महिलाएं यहाँ आई है और खास बात ये भी है कि इस इलाके में जमाल गांव है ये, इस गांव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बेनीवाल वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मौजूद है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एलनाबाद हलके का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है वो जमाल है भाई और जमाल से ही हरी चुनरी छुपाई चौटाला की गई है। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला नंदलाल और सबसे बड़ी बात है हमारी बहन नैना देवी जी और वो इस कार्यक्रम में मौजूद है, ये कह सकते हैं कि जमाल गांव की तमाम महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं वो यहां पहुंची हैं, प्रत्येक गांव से महिलाएं यहां आज तो मेरी बहनों भी एक्साइटेड है और बहुत सारी मेरी सहेलियां भी काफी ज्यादा आई है, मेरे बात हो रही है और जितनी भी हर एलनाबाद हलके हूँ जितनी भी अपने बहन बेटियां काकी ताई जितना भी नौजवान बच्चा एड है मैं तेरे सारा वो अठे पहुंचन पर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मतलब खर बता कौन सको कि मैं आज कितनी खुश हूँ कि मैंने मतलब बागड़ी बैंक में आ गए क्योंकि मैं खुद बागड़न बहू हूँ तो बढ़िया लगे बोलियो कि बागड़िया में इतनी लुगाइयाँ बाहर आती क्योंकि मैं कहूँगी मैं किया
मन है अपनी पेंशन की सुविधा है बात आने घर घर थारे हाथ में पकड़ा पकड़ा गया 2019 में एक बार मौको दे के देखियो अपनी बेटिया कॉलेज में पढ़ने आ रही है। मैं यहाँ भी कोई देखो कल आपको एक बहुत बड़ो दिन है 17 तारीख को, पर मैं ये पूछना चाहूँ कि दिग्विजय दुष्यंत को के दोष हो क्यों थे वहां बच्चा ने सागे इतनो मतलब व्यवहार करो, पर ये चीज अब बिल्कुल आप बाहर आ गए और कल एक नयो झंडो डंडो आप गार्डन को काम करा देखा कि किस तरह से डबवाली की विधायक है नैना चौटाला ने आज जमाल में खुल करके अपना दर्द है वो साझा किया है। उन्होंने कहा है कि दुष्यंत दिग्विजय का क्या कसूर था और उसी को लेकर के उन्होंने एक बात बड़ी ये भी कही कि कल पार्टी का झंडा भी नया होगा और डंडा भी नया होगा। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय सिंह चौटाला उनके समर्थक है वो नई पार्टी बना सकते हैं और इसके अलावा उनके साथ जो जो चेहरे होंगे वो कल आपको हम बताएंगे कि किस तरह से नए नए चेहरे हैं उनके साथ आने वाले हैं और किस तरह से आज एलनाबाद में हरी चुनरी चौपाल है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हम आपको बताएं कि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का ये हल्का है, उनका ये गढ़ माना जाता है और ये जमाल गाँव है जो सबसे बड़ा गाँव है, 10,000 से अधिक है वोट है वो इस गांव की है और इस गांव के सरपंच ने खासकर नंदलाल बैनीवाल इस गांव के सरपंच है उन्होंने सीधे तौर पे ये घोषणा कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो दुष्यंत के साथ हैं, कहीं ना कहीं जहां दुष्यंत वहां हम ये नारा है वो लगातार उनकी ओर से लगाया जा रहा है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।